प्ले हो चुकी है, अभी थोड़ी देर में इसका हवाई जहाज आ जाएगा। अब बाकी खेलने वालों को तो मालूम ही होगा यहाँ से कैसे खेलना है। जंप करने के लिए आपको एफ बटन दबाना है। हम यहाँ पे उतरेंगे बिल्कुल बीचों बीच में। अब उतर जाते हैं, दबा के जंप करेंगे, घरों के ऊपर कूदते हैं, कुछ सामान वगैरह लूट लेते हैं। जब आप दोबारा से एफ दबाएंगे तो अपना ये पैराशूट खोल लेगा, लेकिन मैंने नहीं दबाया, ये अपने आप खोल लिया इसने। अब घर की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो मैं आपको मोबाइल वाली पबजी कंप्यूटर में खेलने का तरीका बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट कर लेंगे और अपना वेब ब्राउजर ओपन करेंगे। यहाँ पे टीशर्ट गेम बडी लिख के सर्च कर देंगे। ध्यान से देख लीजिए, जिस वेबसाइट पे मैं जाऊंगा आपको भी उसी वेबसाइट पे जाना है। थोड़ा नीचे करेंगे, ये आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये अदर कंट्री की लैंग्वेज में आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाउनलोड या INDIR का बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और 8-10 MB की फाइल डाउनलोड होगी। वेब ब्राउजर आप क्लोज कर सकते हैं। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट कर लेंगे। यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे, इसको क्लोज कर सकते हैं। पबजी दिख जाएगा आपको, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। 40-50 MB की ये फाइल होगी, डाउनलोड हो जाएगी। आपका समय बचाने के लिए मैं वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड करते रहूंगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक बार दोबारा से इसका इंजन अपडेट होने लगेगा, अपडेट होने देंगे। अपडेट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने अपडेट वाली लाइन हट जाएगी। अभी तक हमने क्या किया है, कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर डाल दिया है जिसके जरिए पबजी मोबाइल कंप्यूटर में चलेगी। अभी हमारा 250-300 MB नेट खर्च हुआ होगा, ज्यादा नहीं। अब पबजी मोबाइल डालना है इस सॉफ्टवेयर में, इसके दो तरीके हैं। सिंपल बता देता हूँ आपको। पहले वाले तरीके में हमें पबजी मोबाइल डाउनलोड करना होगा। इस तरीके में बुरी बात यह है, आपका 2.5-3 GB इंटरनेट खर्च होगा, और अच्छी बात यह है, आपका दिमाग कम खर्च होगा। और दूसरे वाले तरीके में ऐसे होगा कि आपके मोबाइल में पबजी गेम पड़ी है, आपके फ्रेंड के मोबाइल में पबजी गेम पड़ी है, उसी को उठा के हम इस सॉफ्टवेयर में डाल देंगे। इस वाले तरीके में अच्छी बात यह है, आपका 2.5-3 GB इंटरनेट बच जाएगा और समय भी। बुरी बात यह है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको समझा के ही मानूंगा। चलिए दोबारा शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले वाला तरीका बता देता हूँ। आपको पबजी मोबाइल यहाँ पे दिख जाएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे सर्च कर लीजिए पबजी मोबाइल, और पबजी मोबाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अपने आप डाउनलोड होने लगेगा। वैसे तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा है कि अपने आप ही ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब तक हमने बातें करी 41% डाउनलोड भी हो गया है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे प्ले लिखा आ जाएगा, प्ले कर लेंगे। खेलने वालों को बताने की जरूरत नहीं है आगे क्या करना है, फिर भी आपको देखना है आगे क्या होगा। वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। जो लोग दूसरे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल वाली गेम कंप्यूटर में उठा के डालने के लिए ताकि उनका नेट बच जाए, वो सबसे पहले क्या करेंगे, पबजी आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नहीं दिख रहा है तो सर्च कर लेंगे, पबजी के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक डाउनलोड हो चुकी होगी कुछ, इसे अभी कैंसिल करेंगे, यस करेंगे, और ये काम फटाफट करना है, नहीं तो ऑटोमेटिक ही डाउनलोड हो जाएगी। अब इसे क्लोज कर देंगे। अब माई कंप्यूटर ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपकी जितनी भी डिस्क हैं, सारी डिस्क में देखिए आपको प्रोग्राम और टेम्प नाम का एक फोल्डर दिखेगा। जहाँ भी होंगे दोनों एक साथ ही होंगे, दोनों एक साथ दिख जाएं तो आप समझ जाइए जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया है। अब इसके बाद प्रोग्राम फाइल के अंदर जाएंगे, TXKM दिखेगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। UI दिखेगा, इसके अंदर जाएंगे। एक एप्लीकेशन दिखेगा आपको यहाँ पे, एंड्रॉइड एम्यूलेटर, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट शॉर्टकट कर देंगे। अब कुछ काम मोबाइल के ऊपर भी करना है, चलिए देखते हैं। देखिए जिस मोबाइल के ऊपर आपकी पबजी पड़ी हुई है उस मोबाइल के ऊपर आ जाएंगे, प्ले स्टोर में आ जाएंगे। यहाँ पे हम बैकअप के लिए एक ऐप्स डाउनलोड करेंगे जो हमारी पबजी का बैकअप ले लें, सुपर बैकअप प्ले स्टोर, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इंस्टॉल डाउनलोड होने के बाद ओपन का ऑप्शन दिखेगा, ओपन कर लेंगे। यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे, एप्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी पबजी सिलेक्ट कर लीजिए, 47 MB की दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बैकअप पे क्लिक कीजिए, ओके। अब इसे क्लोज कर दीजिए। अपने फाइल में आ जाएंगे, स्टोरेज में आ जाएंगे। SMS कॉन्टेक्ट बैकअप नाम का एक फोल्डर दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। APK के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको पबजी मोबाइल दिख जाएगा, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे। करना क्या है, हमें इसे कट करना है, यानी कि मूव करना है। कहाँ पे करना है मैं बता देता हूँ आपको। वापिस फोन स्टोरेज में आ जाएंगे, एंड्रॉइड दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। OBB नाम का फोल्डर दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे COM.TSHIRT दिखेगा, यहीं पे हमें पेस्ट करना है। अब एक बार मैं आपको सब कुछ बंद करके दिखा देता हूँ क्या करना है। फाइल मैनेजर में आना है, अपने फोन की स्टोरेज में आना है। एंड्रॉइड नाम का फोल्डर दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। OBB नाम का फोल्डर दिखेगा, इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे 1.5 GB की एक फाइल पड़ी हुई है, यही फाइल हमें चाहिए होगी। कहने का मतलब ये है, इन दोनों को हमें कंप्यूटर में डालना है। अब डालना कैसे है, सिंपल है। कंप्यूटर को मोबाइल को डाटा केबल से कनेक्ट कर लीजिए, और ये बहुत छोटी सी बात है, मुझे नहीं लगता ये आपको बताने की जरूरत है, आप ये खुद ही कर लेंगे। कंप्यूटर में मोबाइल वाली वो फाइल डालने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगी।
दोबारा से माई कंप्यूटर खोल लेंगे। जिस डिस्क के अंदर आपके प्रोग्राम और टेम्प वाले फोल्डर थे उसके अंदर आ जाएंगे। टेम्प फोल्डर डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। TX गेम नाम का फोल्डर दिखेगा, इसके अंदर आ जाएंगे। सबसे नीचे वाला फोल्डर मोबाइल गेम, इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाना है PUBG नाम का, और इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। जो फाइलें आपने मोबाइल से कॉपी करी है उनके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और जो अभी आपने पबजी वाला फोल्डर बनाया है इसके अंदर आके पेस्ट कर देंगे। अब इस फोल्डर के बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे भी राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। अब इन सबको आप क्लोज कर सकते हैं। एंड्रॉइड एमुलेटर जिसका आपने शॉर्टकट बनाया था उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर लेंगे, यस के लिए ऑप्शन आएगा यस कर देंगे। और ध्यान दीजिए, आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए तभी ये खुलेगा, नहीं तो एरर मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे F9 दबाएंगे और आपको ये एप्स नजर आने लगेंगे। अगर नहीं नजर आ रहा है तो Shift प्लस F9 दबा लीजिए, ब्राउजर दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिक्लाइन पे क्लिक कर देंगे। गूगल में लिखेंगे ES फाइल एक्सप्लोरर और साथ में APK प्योर भी लिख देंगे और सर्च करेंगे। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट APK प्योर वाली, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड होने लगेगा, आप ऊपर देखेंगे डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद माउस को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और शटर नीचे कर लेंगे। ES फाइल एक्सप्लोरर दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे डिक्लाइन कर देंगे, ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे, एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, स्टार्ट नाउ। यहाँ पे टूल पे क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे करेंगे, रूट दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दोबारा से इसे थोड़ा ऊपर करेंगे, लोकल डिवाइस दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। डाटा फोल्डर दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे करेंगे। शेयर वन का फोल्डर दिखेगा, इसके अंदर आ जाएंगे। हमने जो फाइलें अभी कॉपी करी थी वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर नहीं दिख रही है तो रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे, दिख जाएंगी। पबजी नाम का फोल्डर भी दिखेगा जो हमने बनाया था, इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने जो फाइलें कॉपी करी थी वो दिख जाएंगी। नहीं दिख रही है तो रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कीजिए, दिख जाएंगी। अभी हमें करना क्या है, कॉम्पिटिशन का जो फोल्डर है उसे हमें कॉपी करना है। चाहे आप यहाँ से कर लीजिए या इसके बाहर से कर लीजिए। हमने वो मोबाइल वाली फाइलें दो जगह इसीलिए कॉपी करी थी ताकि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख जाए। कॉपी करने के लिए इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे माउस, और पबजी मोबाइल को भी सिलेक्ट कर लेंगे और कॉपी पे क्लिक करेंगे। लोकल का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इंटरनल स्टोरेज पे आ जाएंगे, एंड्रॉइड नाम का फोल्डर दिखेगा, इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसका नाम डाल देंगे OBB। ओके, OBB फोल्डर बन गया होगा, इसके अंदर आ जाएंगे। पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल यहाँ पे पेस्ट होने लगेगी। रिट्राई के लिए ऑप्शन आएगा शायद आपके पास, रिट्राई कर देंगे, दोबारा से रिट्राई कर देंगे, सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये इस प्रोग्राम की दिक्कत है, हमारा काम हो चुका है। अब आपको पबजी मोबाइल APK दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। गूगल प्ले प्रोटेक्ट के लिए ऑप्शन आएगा और यहाँ पे अलाउ के लिए अगर आता है तो अलाउ कर देंगे। सब काम कंप्लीट होने के बाद हम सबको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए ये जो छोटा सा आइकन दिख रहा है एग्जिट, इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे। अब यहाँ पे आपको पबजी मोबाइल दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके के लिए ऑप्शन आएगा, ओके कर देंगे। आपकी पबजी आपके कंप्यूटर में प्ले होने लगेगी, खुश हो जाइए, आपका काम हो चुका है, कुछ डाउनलोडिंग होगी। यहाँ पे कंट्रोल कैसे होती है, इसके कुछ बटन दिए हुए हैं, आप इनको देख के समझ सकते हैं। जैसे WASD से आगे पीछे होगा, माउस के लेफ्ट क्लिक से गोली चलाएगा या घुसा मारेगा, स्पेस से उछलेगा, सी और जेड से कार में बैठ जाएगा, सी और जेड से अपनी सीट चेंज करेगा और ड्राइव वगैरह करेगा। बाकी और भी कई सारे बटन है, फंक्शन है, आप समझ सकते हैं। यहाँ से कुछ अपडेटिंग होने लगेगी, अपडेट होने देंगे, अपडेट फिनिश दिखेगा, ओके पे क्लिक करेंगे। कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनकी पबजी ओपन ही ना हुई हो, ओपन करते ही कुछ एरर मैसेज आ गया हो, उनके लिए सिंपल सा सोल्यूशन है, सब कुछ क्लोज कर देंगे। दोबारा से एंड्रॉइड एम्यूलेटर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ES फाइल एक्सप्लोरर दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लोकल में आ जाएंगे, डिवाइस में आ जाएंगे, डाटा में आ जाएंगे, शेयर वन फोल्डर में आ जाएंगे, COM TCENT IG, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, एक फाइल दिखनी चाहिए, नहीं दिख रही है तो वही दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद दिख गई है। इस फाइल को हमें लॉन्ग प्रेस करना है और कॉपी करना है। आपको नहीं दिखी है तो रिफ्रेश करते रहिए, दिख जाएगी। और उसके बाद लोकल पे क्रॉस बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इंटरनल स्टोरेज में आ जाएंगे, एंड्रॉइड OBB का फोल्डर जो हमने बनाया था इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे COM TCENT IG का फोल्डर दिखेगा, इसके अंदर आ जाएंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे। ओवरराइट के लिए आता है तो ओवरराइट पे क्लिक करेंगे। रिट्राई के लिए ऑप्शन आएगा, रिट्राई कर देंगे। अब ये सब क्लोज करेंगे, पबजी मोबाइल दिखेगा, दोबारा से ओपन कर लेंगे। अब आपकी गेम ओपन हो जाएगी, कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। एग्री के लिए ऑप्शन आएगा, एग्री कर देंगे। फेसबुक या ट्विटर के जरिए साइन इन कर लेंगे, मैं फेसबुक से साइन इन कर लेता हूँ। दोबारा से एग्री के लिए आएगा, एग्री कर देंगे। लॉगिन, कंटिन्यू, दोबारा से लोडिंग होने लगेगी। ओके के लिए ऑप्शन आएगा, ओके कर देंगे। यहाँ पे लो, हाई, मीडियम अपने आप सेट होगा आपके कंप्यूटर के हिसाब से, आपको ओके पे क्लिक करना है।
इसको क्रॉस कर देंगे, दोबारा से कुछ आएगा इसे भी क्रॉस कर देंगे। अब स्टार्ट दिखेगा आपको, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, मैचिंग होने लगेगी, एक बार दोबारा से लोडिंग होने लगेगी। बहुत बहुत बधाई, गेम प्ले हो चुकी है, अभी थोड़ी देर में इसका हवाई जहाज आ जाएगा। अब बाकी खेलने वालों को तो मालूम ही होगा यहाँ से कैसे खेलना है। जंप करने के लिए आपको एफ बटन दबाना है, हम यहाँ पे उतरेंगे बिल्कुल बीचों बीच में। अब उतर जाते हैं, एफ दबा के जंप करेंगे, घरों के ऊपर कूदते हैं, कुछ सामान वगैरह लूट लेते हैं। जब आप दोबारा से एफ दबाएंगे तो अपना ये पैराशूट खोल लेगा, लेकिन मैंने नहीं दबाया, ये अपने आप खोल लिया इसने। अब घर की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा हमें। कहाँ है ये, यहाँ है, जल्दी जा मेरे भाई। हलाई में आप देख सकते हैं कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग हमने मारे हैं। यहाँ पे आपके सामने कोई आएगा तो पैर वैर आ जाते हैं, ऐसे ही कुछ होता है, खेलने वाले बताते हैं, मैं तो पहली बार खेल रहा हूँ। गेट भी अपने आप खुल लेगा, ये अभी मैंने एक ड्रिंक ले लिए, और क्या चीज है, जी और एच और एफ दबा के ये सामान ले लेता है, उठा के रख लेता है। और क्या है, एक गन मिली, गन भी ले ली हमने। शायद कोई बंदा आ गया है मैं मारने वाला, ये मार दिया हमने इसे। गोली खत्म हो गई है, गोली बदल लेते हैं। ये हमने एक बंदा मार दिया है। कोई बंदा मरता है तो आप एफ दबा के उसका सामान लूट सकते हैं, काफी कुछ ले रखा था भाई ने। गोली खत्म हो गई है हमारी, हम गोली चेंज कर लेते हैं। कंट्रोल दबा के माउस आपका आ भी जाएगा और चला भी जाएगा, और स्पेस दबा के ये जंप लेता है। हमारी कुछ पावर कम भी हो रही है, पावर बढ़ाने के लिए हमने ड्रिंक ली है। ड्रिंक का इस्तेमाल करने के लिए जीरो बटन दबाएंगे, ड्रिंक पी लेगा ये। दोबारा जीरो दबा देता हूँ, पावर अभी भी कम है इसकी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई समस्या है, कोई विचार है, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। आपको आपकी